Hey everyone, welcome back to our channel Caroline Institute of Spoken English. Today I am back with my new video on the IELTS writing topic that is related to problem and solution. So our topic is a lot of old people are suffering from loneliness these days. They also lack physical fitness. What do you think are the reasons of these problems? Can you think of any possible solution? So isme kya hai कि बहुत सारे जो ओल्ड पीपल हैं वो इस समय में लोनलीनेस अकेलेपन से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं. दे ऑल्सो लैक फिजिकल फिटनेस, मतलब वो फिजिकल भी इतने फिट नहीं होते, उनमें वीकनेस पाई जाती है. व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के क्या रीजन है? कैन यू थिंक ऑफ एनी पॉसिबल सोल्यूशन? तो इसमें हमने सॉल्यूशन बताने हैं अपनी तरफ से. तो इस ऐसे की क्या प्लानिंग होगी हमारी? बीपी वन में हमने जो ये प्रॉब्लम है लोनलीनेस की, जो ओल्डर पीपल में पाई जाती है, इसके क्या कारण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और बीपी टू में हम डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशन की, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जा सकता है. तो यहाँ पे पहले मैंने कुछ सिनोनिम्स बता दिए हैं जो हम ऐसे में यूज कर सकते हैं, जैसे लोनलीनेस वर्ड के सिनोनिम्स डेसोलेशन, alone, lonesome, alienation, isolation. और older people के लिए हम use कर सकते हैं elderly weak person, senior citizens, gray hair, senior generation. तो ये आज के हमारे जो synonym है जो हम ऐसे में use कर सकते हैं. आप चाहे तो इन्हें अपनी notebook में note कर सकते हैं. इसके बाद हम इस topic की जो intro है वो discuss करेंगे. As usual, जैसे पहले हम general line लिखते हैं, then paraphrasing करते हैं, then thesis line. Now let's start the introduction. जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम एक जो मेन वर्ड होता है हमारे ऐसे का, उस पे पहले हम जनरल लाइन लिखते हैं. तो आज का हमारा मेन वर्ड है इसमें लोनलीनेस, तो उस पे हमने यहाँ पे एक जनरल लाइन लिख दी. लोनलीनेस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना एंड पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स फेस इट टाइम टू टाइम. कि जो ये है लोनलीनेस ये कोई नया तथ्य नहीं है एंड सभी एज के पीपल इसे क्या है फेस करते हैं टाइम टू टाइम. वेयर इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेजॉरिटी ऑफ ओल्ड पीपल नाउडेज एक्सपीरियंस डेसोलेशन एंड ऑल्सो आर फिजिकली अनफिट. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो ये लाइनें हैं इन्हें क्या कर दिया हमने, रिफ्रेस किया. ठीक है कि ये ऑब्जर्व किया जा चुका है कि काफी सारे ओल्डर पीपल हैं जो आज कल क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डेसोलेशन. ये हमने लोनलीनेस की जगह पे वर्ड यूज कर लिया. एंड आल्सो आर फिजिकली अनफिट, जैसे फिजिकल फिटनेस लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस है तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया फिजिकली अनफिट. तो आगे हमने हमारी थीसिस लाइन लिख दी ऐसे के अकॉर्डिंग, इसमें हमने कॉजेज एंड सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं. तो इस ऐसे विल हाईलाइट द मेन कॉज ऑफ इट एंड आल्सो सजेस्ट प्रिवेंशन मेजर्स टू कर्व इट. तो ये आज की हमारी क्या होगी, थीसिस लाइन जो ऐसे के अकॉर्डिंग है. और इसके बाद हम एज यूजुअल जो हमारे बीपी वन में क्या पॉइंट आएंगे और बीपी टू में क्या पॉइंट आएंगे वो डिस्कस करेंगे. आप अपनी इंट्रोडक्शन है जो नोटबुक्स पे नोट कर सकते हैं. बीपी वन के जो पॉइंट्स हैं इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है जो प्रेफरेंस टू न्यूक्लियर फैमिलीज, कि आजकल जो लोग हैं ज्यादातर किसे प्रेफरेंस देते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज को. जैसे कि वो ज्यादातर मेट्रो सिटीज में क्या है मूव ऑन कर जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है बेटर लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि वहां पे उन्हें सब एमिनिटीज मिलती हैं लाइक गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ फैसिलिटीज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज. तो जिसकी वजह से क्या है वो इन सिटीज में चले जाते हैं और जो उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें पीछे ही छोड़ आते हैं अपने विलेजेस में और अपने होम टाउन पे जहाँ पे वो रह रहे होते हैं. तो वहाँ पे वो क्या है फिर अकेले रह जाते हैं, उनके साथ कोई बात करने को नहीं होता, क्योंकि मेट्रो सिटीज में जाके उनके बच्चों के तो खुद की लाइफ ही क्या हो जाती है, हैक्टिक हो जाती है, उनके पास भी टाइम नहीं होता उनके साथ इतनी ज्यादा बात करने के लिए. तो इस वजह से वो क्या फील करते हैं, लोनलीनेस. तो इसमें जो बीपी टू है इसमें हमारा सेकेंड पॉइंट है जो हमने लिखना है लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस के ऊपर. जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है वो मैंने पिछले पॉइंट से रिलेट किया है. तो इसमें
बच्चे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज वगैरह में चले जाते हैं तो उन्हें तो वो पीछे छोड़ जाते हैं जब वो अकेले रहते हैं वहां पे, तो उन्हें क्या है मेंटली स्ट्रेस फील होता है, वो स्ट्रेस लेते हैं अपने माइंड में। स्ट्रेस की वजह से क्या है उनका मन ही नहीं करता किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का, तो वो एक जगह पे बैठे रहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अकेले रहते हैं, किसी के साथ अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और वो फिजिकली फिट नहीं रहते। तो सेकंड पॉइंट इसमें बीपी टू में ये लिख सकते हो आप, ये दोनों पॉइंट आप बीपी वन में एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम बीपी टू की तरफ चलते हैं, तो इसमें हमने क्या लिखना है, इसमें हमने सॉल्यूशंस के बारे में बताना है। तो जैसे हमने उसके कारण बताए वैसे ही उसके सॉल्यूशन बताएंगे कि लोगों को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है, जब वो मेट्रो सिटीज में मूव होते हैं तो कुछ समय के बाद जब वो वहां पे एकदम सेट हो जाते हैं तो उन्हें अपने जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें भी वहां पे बुला लेना चाहिए। इससे क्या होगा, वो इकट्ठे रहेंगे, ज्वाइंट रहेंगे, तो एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स भी शेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का हालचाल भी पूछेंगे, तो वो अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा जब कोई रह भी रहा है अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से दूर तो उन्हें क्या है टाइम टू टाइम उनसे बात करते रहना चाहिए और वीकेंड में उन्हें आके मिलते रहना चाहिए। इससे भी क्या है उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट आप इसमें बता सकते हो कि किसी भी रीजन की स्टेट की कंट्री की जो अथॉरिटी है उसे क्या है हेल्थ क्लब एंड लाफ्टर क्लब इंट्रोड्यूस करने चाहिए हर एक एरिया में, क्योंकि इससे क्या होएगा जो ओल्डर पीपल अकेले रहते हैं उन्हें क्या है मोटिवेशन मिलेगी इन चीजों को वो ज्वाइन करें, क्योंकि इससे क्या होगा जब ये चीजें उन्हें अवेलेबल होंगी उनके एरिया में तो यहाँ पे वो जाएंगे उन्हें क्या है अपने अपने एज मेट्स मिलेंगे जिनके साथ वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अपने थॉट्स फीलिंग्स उनके साथ एक्सचेंज कर पाएंगे, जिससे उनका जो टाइम है इजिली क्या हो जाएगा स्पेंड हो जाएगा, तो वो भी क्या है फिर अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। तो ये सॉल्यूशन है जो आप बीपी टू में बता सकते हो। तो ये आज के हमारे बीपी वन और बीपी टू के पॉइंट्स थे। तो इसके बाद हम कंक्लूजन को डिस्कस करें। तो कंक्लूजन इस एसे का मैंने अपने अकॉर्डिंग ये लिखा है। तो जैसे हम कनेक्टर यूज करते हैं कंक्लूजन बताने के लिए वो यूज किया है टू इनकैप्सुलेट। आई वुड से ओल्ड पीपल फील सेक्लूडेड एंड अनहेल्दी मेनली बिकॉज ऑफ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। हाउएवर दिस कैन बी एड्रेस्ड थ्रू अडॉप्टिंग ट्रेडिशनल जॉइंट लिविंग। तो इसमें मैंने एक कंक्लूड बताया है कि क्यों वो लोनलीनेस और अकेलापन महसूस करते हैं जब उनके फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, क्यों वो अकेलापन महसूस करते हैं, अकेलेपन की वजह से वो क्या रहते हैं अनहेल्दी। तो ये प्रॉब्लम कैसे टैकल की जा सकती है, अगर लोग ट्रेडिशनल जो पहले वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे वो वाला सिस्टम है जो वो अडॉप्ट कर लें अपनी लाइफ में, तो ये प्रॉब्लम क्या है ये सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा आज का कंक्लूजन था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप रोज ऐसे ही नई नई राइटिंग के टॉपिक्स करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, हम आपको नए नए टॉपिक राइटिंग के प्रोवाइड करते रहेंगे। नाउ बाय बाय, आई विल कम बैक सून विद माई न्यू वीडियो।